हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वुमेन वर्सेज इंडिया वुमेन मैच विनर के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, आपको पिच रिपोर्ट बताने से पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और द बैटिंग प्रिंसेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है द बैटिंग प्रिंसेस नाम से, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो जाना गाइस। ओके, तो चलिए अपन बात करेंगे यहां पर पिच रिपोर्ट के लिए। पिच रिपोर्ट क्या रहेगी गाइस, यहां पर अगर जो भी टीम फर्स्ट बैट पर आएगी उसका 0% विनिंग का रेशियो रहेगा और जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका 100% विनिंग का रेशियो रहेगा गाइस। तो यहां पर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका विनिंग का ज्यादा से ज्यादा रेशियो रहेगा गाइस। ये बात आपको ध्यान रखते हुए मैच को देखना है गाइस, और सपोर्ट वाली अच्छी जो प्रॉफिट वाली टीम रहेगी उसी को ही आपको सपोर्ट करना है गाइस। ओके, तो यहाँ पर अपन पैच और स्पिन के लिए बात करेंगे। यहाँ पर जो भी तेज बॉल फेंकेगा उसके 25% विकेट लेने की संभावना बनेगी और जो धीरे बॉल फेंकेगा उसका 75% विकेट लेने की संभावना बनेगी गाइस। तो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो तेज बॉल फेंकेगा उसके विकेट नहीं, जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके विकेट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनेगी गाइस। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करेंगे अपन टीम फॉर्म के लिए। यहाँ पर श्रीलंका ने गाइस, यहाँ पर श्रीलंका ने 4 मैच लूज गए हैं इसके और 1 मैच विन हुआ है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का भी 1 मैच विन हुआ है और 4 मैच लूज गए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी टीम रहेगी प्रॉफिट वाली टीम है यहाँ पर श्रीलंका, तो आपको भी श्रीलंका वुमेन को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखना है गाइस। तो बने रहो आप श्रीलंका वुमेन के साथ ही। बाकी के अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज़रूर दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना ताकि आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। पर अभी फिलहाल आप श्रीलंका को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।